होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अब तक आपने नहीं किया। आज के दिन हम लोग जाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी फार्म पे स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। लास्ट ईयर हम लोग गए थे कामतिन स्ट्रॉबेरी फार्म जो कि फैनलिंग में था, तो आज हमारा फिर से प्लान है क्योंकि अब भी जो है वो जनवरी चल रहा है और यही सीजन है, दो तीन महीने होते हैं जिसमें हम स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए जाते हैं। तो लेट्स गो। सो आई एम ऑल सेट टू गो। चैलेंज ये नीचे नहीं हो रहा करना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कामतिन कंट्री क्लब में, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और अब हम यहाँ से अंदर वॉक करके जा रहे हैं। मुझे लगता है आज इनका कोई यहाँ पे फेस्टिवल टाइप का चल रहा है, तो इधर तो लोग आए हुए और मुझे रास्ते में टर्टल नजर आए। ये देखो कितने बड़े बड़े टर्टल्स हैं यहाँ पर। ये देखो इतने सारे यहाँ पे, वो भी है, वो ये तो चल रहा है। हाँ ये आप लोग अपना कुत्ता का इतना ख्याल रखते हैं, ये देखें ये अपने पेट्स को उठा उठा के चल रहे हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग चल रही है इस वक्त और मुझे तो लग रहा है हमारे लिए कोई बच्ची नहीं है। जिस हिसाब से रश है ना, मुझे लगता है सब तोड़ फोड़ के ले गए। तो मैं भी जाती हूँ यहाँ से बास्केट लेते हैं आगे से और फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर कोई हमें स्ट्रॉबेरी मिलती है तो। एज़ यूजुअल यहाँ से हमने पेमेंट करनी होगी और इससे पहले अपनी स्ट्रॉबेरीज हम यहाँ से लेंगे। ये मैंने इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज अभी तोड़ी हैं और यहाँ से ये देखें अंदर इसके लगी होती हैं इस तरह से, तो यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के निकालती जा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन इन्होंने डिवाइड किया है। और ये सामने यहाँ पे सारे बच्चे और इनकी फैमिलीज इकट्ठी हुई हुई हैं और कैंपिंग कर रहे हैं ये लोग, साथ में काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा तो ऐसा है कि इस तरफ ये सारे टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी ये कच्चे हैं फिलहाल, तो ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से देखें ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे ये टोमेटोज़ हैं और यहाँ पे इन्होंने ये भी कुछ लगाई हुई है। मुझे आइडिया नहीं है ये सारी चीज़ें क्या हैं क्योंकि चाइनीज़ में लेबल हुआ है तो पता नहीं चल रहा। अच्छा ये सब है और उसके अलावा यहाँ पे ये सब है, ये क्या पता यहाँ पे बीट रूट लगते हों, नो आइडिया। ज़मीन के अंदर है कि बाहर है, बाहर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ लीव्स हैं। और उसके अलावा ये एक बड़ा सा पौधा है, अब पता नहीं ये शायद कोई चीज़ है, लेकिन जो भी है बड़ी खूबसूरत है, इतना प्यारा इसका फ्लावर है। ये भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा और इधर सामने चले जाएं तो आई थिंक ये लगी हुई है मूली। अब ये लोग यहाँ पे मूली है, क्या चीज़ है क्या निकाल रहे हैं इसमें से, दिस इज समथिंग। कमेंट में बता दें अगर आप लोग समझ आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ये क्या है, ये मूली नहीं है, लग तो मूली रही है। और इस तरफ जो है ना ये लगी हुई है कैरेट्स, तो इस तरह से ये छोटी सी बच्ची देखिए डिग कर रही है, तो ये कैरेट्स। मुझे नहीं चाहिए गाजरें इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रही, मेरे काम का कुछ नहीं है। स्ट्रॉबेरीज मुझे चाहिए थी, मैं ले चुकी हूँ, तो अब हम चलते हैं यहाँ से। इस टाइम पे 3 बज रहे हैं और मुझे भूख बहुत सख्त लगी हुई है, पर आई थिंक यहाँ पे कुछ हलाल खाने का नहीं मिलेगा। कैंटीन टाइप एरिया बना हुआ है, अगर इधर फ्राइज़ हों तो शायद वो ले लूँ, या ये बेक्ड कॉर्नस ये तो खा सकते हैं, उसके अलावा फिश बॉल्स भी खा सकते हैं। फिश बॉल्स दिए उसके अंदर, एक मसाले वाले थे और एक सादा थे, अब मैंने सादा ले लिया, मुझे नहीं पता उस मसाले में क्या डाला हो। और साथ में हमारा ये आ गया टोस्ट, और खाना भी इससे कोई फोर्क वगैरह नहीं है।
तो अभी हम लोग फाइनली घर आ गए हैं और इतनी शदीद सर्दी थी, खासतौर पे बाइक पे इतनी सख्त सर्दी लगती है ना, मेरे सारे ब्लड सेल्स इस वक्त फ्रीज हो चुके हैं। और रास्ते में आते आते हमने बर्गर पकड़ लिया, यहाँ पे जॉली भी है, उसका बीफ बर्गर मैंने ट्राई किया था, बीफ एंड चीज़ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, हमने बोल लिया, साथ मैंने कॉफ़ी बनाई है। तो ये रही कॉफ़ी, मैं आप लोगों को बर्गर भी दिखाती हूँ, उसका बर्गर इतना मज़े का, उस पैसे जैसे चीज़ पूरा ड्रिप हो रहा होता है, ये देखें। उसके अलावा ये देखें, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हम लोग लेकर आए हैं, ये कोई अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 kgs या 4 kgs होंगी, और इस तरह बड़े बड़े साइज़ की हैं, बहुत ही मीठी हैं। और कुछ जो है ना थोड़ी ज़्यादा राइप हुई हुई थी, तो हमने फिर भी वो भी तोड़ लिए थे, हमने कहा चलो उनको हम फ्रीज़ कर देंगे और बाकी जो फ्रेश हैं वो भी खा लेंगे। अच्छा अभी मैं स्ट्रॉबेरी का वेट करने लगी हूँ, मैंने कहा ज़रा चेक करूँ कि ये कितनी है, तो ये मैं वेट मशीन के ऊपर रख के देखती हूँ, ये आ रहा है 4.5 kg। फाइनली मैंने साफ़ कर लिए हैं ये, और जितने भी हार्ड वाली स्ट्रॉबेरीज थी सही वाली वो मैंने सेपरेट कर ली हैं इसमें, और ये इतना सारा इसके अंदर से वेस्ट निकला, और ये जो ज़्यादा ओवरली राइप स्ट्रॉबेरीज हैं इनको मैंने सेपरेट कर लिया, ये मैं डायरेक्टली फ्रीज़ कर लूँगी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तो जब तक ये चलें, और वो मिल्कशेक में यूज़ हो जाएंगी। तो मैं इस वक्त ये सब खाने लगी हूँ, और आप मुझे दें इजाज़त, अपने अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।